मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि एक बार आप जो ये सेक्शन आप जो इसका फ्रंट सेक्शन है ना वो चेकआउट करो लिटरली यार उसी से आपको जो रिजेंबर लगेगा एंड लुक तो नो डाउट यार बहुत अच्छे हैं एंड ये जो है इसका ब्लैक कलर रहने वाला है एंड स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको जो दो कलर मिल जाएंगे तीन कलर मिलते हैं इनफैक्ट आपको एक आप आप देख सकते हो आपको ब्लैक कलर मिल जाएगा दूसरा आपका रेड रहने वाला है एंड तीसरा वाइट रहने वाला है एंड तीनों ही आपको जो है वाले जो कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सो so, अगर मैं पर्सनली अगर कलर की बात करूँ ना सो यार बहुत अच्छा लग रहा है कलर एंड कलर्स के ऊपर एक बार आप जो है ग्राफिक्स जो आप चेकआउट कर सकते हो थ्री हंड्रेड आर एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको जो कीवे की वे की बैजिंग एंड इस साइड भी आपको जो है के थ्री हंड्रेड आर एंड बहुत एक अमेजिंग बाइक है यार बहुत नीट एंड क्लीन बाइक है बहुत एक अच्छे लुक्स के साथ आती है अब बात करते हैं इसके आर स्पेक्स की बट उससे पहले एक बार आप जो है इसके इंजन बे को जो चेकआउट कर लो सो so, ऐसा जो कुछ आपको जो है ब्लैकडाउट प्रॉप पूरा आपको जो है इसका इंजन में देखने के लिए मिल जाएगा स्पेक्स की अगर बात करूँ सो टू नाइनटी का इसके अंदर आपको जो है लिक्विड कोल्ड फोर स्ट्रोक फोल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि आपकी पावर निकालेगा ट्वेंटी uh, एट की पावर एंड ट्वेंटी फाइव का टॉर्क सो नो डाउट पावर इज गुड एंड मिड रेंज एंड टॉप एंड इस बाइक का जो है बहुत अच्छा होने वाला है एंड आपको भले ही ऑन पेपर ये uh, मतलब स्पेक्स जो है कम लग रहे होंगे बट ऐसा नहीं है यार ऑन पेपर आपको भले ही कम लग रहे होंगे आई नो बट लिटरली पावर जो है काफ़ी अच्छी है बाइक की एंड ये बात हमने की इसके पावर की सो so अब बात करते हैं डायरेक्टली इसके जो टायर सेटअप की एंड डिस ब्रेकिंग सेटअप की सारी चीज़ों की बात करते हैं सो so ऐसा जो है कुछ आपको जो इसका टायर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि रहने वाला है आपका सेवनटीन इंचिस का एंड अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं आपके प्रॉपर ग्लास फिनिश के अंदर टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ सो so वन हंड्रेड सेक्शन का इसके अंदर आपको जो टायर साइज़ मिल जाएगा जो कि रहने वाला है सेवनटीन इंचिस के व्हील पे रियर में चलते हैं सो so, वन सेक्शन का इसके अंदर आपको जो रियर टायर देखने के लिए मिल जाएगा 17 इंचिस के व्हील के ऊपर एंड अगेन पीछे भी आपको जो प्रॉपर आपको जो टायर के ऊपर ग्लॉस ट्रीटमेंट मिल जाएगा नीचे आपको जो रेड कलर की आपको एक स्ट्रिप मिल जाएगी सो so, अब बात करते हैं इसके जो डिस्क साइज की सो so, फ्रंट के अंदर आपको जो इसके ट्री एंड एमएम का इसके अंदर आपको जो डिस्क देखने के लिए मिल जाएगा एंड जिसकी जो है आपको डिजाइन कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा काफी अच्छा लगेगा देखने में रियर डिस्क की अगर मैं बात करूँ सो टू ट्वेंटी एम की इसके अंदर आपको जो रियर डिस्क देखने के लिए मिल जाएगी एंड डुअल चैनल ए बी के इस बाइक के अंदर आपको जो है मिल जाएगा सो नो डाउट आपको जो ब्रेकिंग जो है काफ़ी अच्छी मिलने वाली है ब्रेकिंग बाइट ब्रेकिंग एफिशिएंसी एंड इस बाइक का सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यही है क्यों क्यों मैं चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने चलाई है एक बार ये इसकी इंजन ब्रेकिंग ना बहुत अच्छी है यार एंड ऑब्वियसली जितनी भी बड़ी कैपेसिटी या डिसप्लेसमेंट की बाइक होती है सो so, उनके ऊपर ना ज़्यादा मतलब दो चीज़ों के ऊपर रिलाय करता बंदा एक तो पहला इंजन ब्रेकिंग एंड दूसरा सेकेंडरी ब्रेकिंग जो आपकी होती है अब बात करते हैं इसके जो सस्पेंशन सेटअप की सो so, ऐसे जो है कुछ इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि काफ़ी एक अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड है दिख नहीं रहे हैं लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है लेकिन जो भी हैं अच्छे लग रहे हैं सो so, फ्रंट के अंदर आपको जो यू देखने के लिए मिल जाएंगे सो आप देख सकते हो यू एस डी स्टैंड फॉर अप्स एड डाउन फोक्स एंड उनका काम क्या होता है मैंने बहुत बार बताया कि एक आपको एक अच्छी राइड uh, क्वालिटी देते हैं एक आपको अच्छा स्टेबिलिटी uh, देते हैं हाई स्पीड पर कॉर्नरिंग पे आपको जो है एक अच्छी मतलब ग्रिपिंग uh, देते हैं ऑब्वियसली आपको ब्रेकिंग के अंदर भी हेल्प करते हैं हैंडलिंग के अंदर हेल्प करते हैं सो so ये यू एस डी का काम होता है एंड रियर में आपको जो है सेंटर मोनोशॉक मिल जाएगा देखने के लिए जिसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी देख सकते हो आप काफ़ी एक अच्छे तरीके से वेल well प्लेसड है ये so सो ये बात हमने करी इसके स्पेक्स की टायर्स की एंड ब्रेकिंग सेटअप की अब बात करते हैं इसके हेडलाइट सेटअप की एंड ऐसी जो कुछ चीज़ आपको इसका हेडलाइट सेक्शन आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा मैं एक बार जला के दिखा देता हूँ सो so, अब देखो यार अब तो लिटरली अब तो जो भाई बहुत ख़तरनाक लग रही है एंड अगेन सामने आपको जो है फ्रंट में आपको जो डी देखने के लिए मिल जाएगी इसके अंदर प्रॉपर आपको जो एलईडी ई डी सेटअप आपको एलईडी हेडलाइट्स देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पे आपको जो बैजिंग एंड इंडिकेटर्स भी इसके अंदर आपको जो एलईडी देखने के लिए मिल जाएंगे एंड देख सकते हो आप फ्रंट में भी आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे एंड रियर में भी आपको जो एल इंडिकेटर्स जो है मिल जाएंगे सो so, जिनकी प्लेसमेंट जो कुछ ऐसे ही रहने वाली है काफ़ी एक अच्छे यूनिक तरीके के ये जो इंडिकेटर्स हैं एंड ऐसी जो इसकी कुछ टेल लाइट मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वेल well मर्ज्ड है एंड काफ़ी ब्राइट है लाइट देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है सो so, ये बात करी हमने इसकी लाइट सेटअप की उसी के साथ बात करते इसके डमेंशनस की उसके बाद बात करते हैं इसके फीचर्स की सो सेवन एट्टी एम इसकी जो आपको सीट हाइट देखने के लिए मिल जाएगी तो जो एक कोई शॉर्ट राइडर भी है सो so वो भी इजीली जो इस बाइक को जो मैनेज कर लेगा एंड अगर मैं एक एवरेज हाइट की बात करूँ फ़ाइव फाइव फाइव सिक्स की अगर आपकी हाइट है सो यू कैन ईजली मैनेज दिस बाइक एंड वन थर्टी फाइव एम एम की इसके अंदर आपको जो ग्राउंड क्लियर देखने के लिए मिल जाएंगे ग्राउंड क्लियर थोड़ा सा एक इशू हो सकता है बट लाइक नॉर्मल रोड कंडीशन के अंदर या सच आपको कोई इतनी प्रॉब्लम होने नहीं वाली एंड वन सिक्सटी थ्री की जी इसका जो आपको ड्राइवर देखने के लिए मिल जाएगा एंड उसी के साथ बात करते हैं इसकी जो टैंक साइज की सो so, टैंक का एक जो पार्ट है ना यार ये पार्ट मेरे को टैंक का जो काफ़ी अच्छा लगा ये थोड़ा एक कार्बन फाइबर फिनिश के अंदर ये जो है टैंक की फिनिशिंग है एंड ट्वेल्व लीटर का इसके अंदर आपको जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि एक आपको अच्छी रेंज uh, देगी अगर आप टूरिंग वगैरह या चलाते हो इसे सो so, मैं उसके बाद बात करता हूँ इसके फ्यूल uh, एफिशिएंसी की कि क्या आपको जो फ्यूल एफिशंसी माइलेज जो भी आपका उसको क्या निकाल के देगी सो थर्टी फाइव टू फोर्टी के बीच में आपको जो ईज़िली बाइक जो माइलेज दे देगी विच इज़ रियली गुड सो एक अच्छा इंजन है एक अच्छा पावरफुल इंजन है सो so, ज़्यादा माइलेज की एक्सपेक्टेशन जो है आप इससे मत रखना बट ठीक है थर्टी फाइव टू फोर्टी की जो माइलेज है वो भी एक अच्छी माइलेज होती है बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि यार आप कैसे चलाते हो कि कितने कार्पियो पे आप गियर शिफ्ट करते हो क्या आपका रेव वैंड रहता है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपकी फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी में अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले फीचर्स की वहाँ पे आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाएगा सबसे पहले ऐसी जो कुछ इसकी आपको की देखने के लिए मिल जाएगी एंड अब करते हैं इसको ऑन ऐसा जो कुछ आपको डिस्प्ले से वेलकम मिल जाएगा देखने के लिए एंड छोटी सी बहुत छोटी सी आपको डिस्प्ले इसके अंदर देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन के नाम पर अगर मैं बात करूँ सो so, यहाँ पे आपको जो टेकोमीटर आ रहा है एंड यहाँ पे आपकी स्पीड आ रही है टाइम आ रहा है एंड गेट शिफ्ट इंडिकेटर आ रहा है एंड यहाँ पे आपका जो फ्यूल गेज आ रहा है ऊपर आपका न्यूट्रल का साइन आ रहा है यहाँ पे आपका जो ए की लाइट इंजन की वार्निंग इंजन के स्विच की वार्निंग यहाँ पर आ रही है यहाँ पर आपके जो मोड्स हैं मोड से आप जो है ये यहाँ से सारी चीज़ें आप जो देख सकते हो एंड उसी के साथ यहाँ पे, पे आपको जो है पास स्विच एंड यहाँ पे आपको जो हेडलाइट लेवलर इंडिकेटर हॉर्न सिंगल टोन इसके अंदर आपको जो हॉर्न देखने के लिए मिल जाएगा उसी के साथ ये आपका जो है सेल्फ जो जो का स्विच एंड हेज़ार्ड के लिए ऑप्शन एक बार मैं आपको हेज़ार जला के भी दिखा देता हूँ कि सामने से इस बाइक का जो लुक कैसा आएगा विद डी सो देख सकते हो यार अब बहुत एक खतरनाक लुक आ रहा है यार एंड अब तो शायद मेरे को इसको कहना गलत नहीं होगा कि यार ये एक्चुअल में जो है मिनी एस थाउजेंड आर आर लग रही है सो so, बाइक देखने में कोई बहुत अच्छी है और बाइक नो डाउट बाइक देखने में काफ़ी अच्छी है अब बात करते हैं इसके आपको साइड पैनल्स में क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको जो नंबर प्लेट की आपको पोजिशनिंग मिल जाएगी एंड जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको के थ्री हंड्रेड आर की बैड ब्रांडिंग मिल जाएगी की वे का ऊपर स्टिकर मिल जाएगा एंड नीचे जो आपको ऐसे इंजन कवरिंग मिल जाएगी यहाँ पे आपको जो है गेट शिफ्ट इंडिकेटर आ जाएगा फ्रंट फुट रहे सिक्स स्पीड इसके अंदर आपको जो ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल जाएगा एंड देख सकते हो इंजन का तो ये जो पार्टन है यार ये काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत एक अच्छा नीट एंड क्लीन पार्ट है रियर फुट रेस्ट एंड ऐसी ये आपको चेन ड्राइव के अंदर मिल जाएगी टायर हगर सारी चीज़ें हैं उसी के साथ चलते हैं यहाँ पे सो so, यहाँ पे आपको यह आपको जो आपको ऐसे कुछ इसका स्विंग आम देखने के लिए मिल जाएगा अंडर पेली एग्जॉस्ट रियर फुट रेस्ट फ्रंट फुट रेस्ट ब्रेक लीवर अगेन के थ्री हंड्रेड आर की यहाँ पे ब्रांडिंग एंड एक बार आप यार लुक चेकआउट करो ये आप जो पी देखो एंड इटली बहुत एक अच्छा पी है बहुत ही ज़्यादा ना ना ही ज़्यादा इतना इसका एग्रेसिव पोस्चर है ना ही आपको जो इतना अपराइड है एक मिक्स काइंड ऑफ थोड़ा इसका पोस्चर रहने वाला तो सिटी में लॉन्ग राइड्स पे आप जो इस बाइक को ईजिली जो है राइड कर सकते हो सो बिना किसी देरी का आप इसका एक बार मैं एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ आपको एंड उसके बाद बात करते हैं प्राइस की सो इसको करते हैं ऑन सो so, ये जो है इसका आइडल साउंड है अभी आप देख सकते हो तो, करते हैं काफी एक जो है ग्रंटी साउंड है यार काफी एक अच्छा साउंड है एग्जॉस्ट साउंड काफी क्रिस्प है एंड अब बात करते हैं इसके प्राइस की बिना किसी देरी के अब जो बात करते हैं इसके प्राइस की सो so, दो लाख पैंसठ हजार आपको जो है एक शोरूम प्राइस आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा एंड एक चीज बहुत अच्छी है तीनों ही कलर्स के अंदर प्राइस का कोई वेरिएशन नहीं है एंड अगर मैं यूपी रजिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं सो तीन लाख चौबीस हज़ार रुपये इसके अंदर आपको जो है यूपी रजिस्ट्रेशन का आपको जो ऑन रोड प्राइस आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा एंड अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात करूं सो इसके अंदर आपको जो तीन लाख उन्नीस हज़ार रुपये इसका आपको जो दिल्ली रजिस्ट्रेशन के साथ में इसका आपको जो प्राइस आपको जो देखने के लिए मिल जाएगा बाकी आप बेस्ट डील के लिए शोरूम पे कॉल कर सकते हैं शोरूम की जितनी भी डिटेल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूँगा आप आओ अपनी डील ग्रैप करो और अपने घर पे लेके जाओ अपनी खुशियों की चाबी एंड इसी नोट पे यार वीडियो को एंड करते हैं एंड मिलते हैं ऐसी किसी अनदर वीडियो के अंदर आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो सो टिल देन साइनिंग ऑफ बाय भारत माता की जय